हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे सामने खड़ा है बजाज पल्सर 125 का ड्रम वेरिएंट। तो अगर आप पल्सर लेने का सोच रहे थे और अगर आपको सबसे सस्ती पल्सर लेना था और अगर आपको मतलब बजट कम है और 125 सीसी में एक अच्छी बाइक लेनी है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिसमें कि आपको मैं फुल डिटेल्स देने वाला हूं कि बाइक का प्राइसिंग क्या रहने वाला है, माइलेज क्या रहने वाला है, और इसका सारे डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहा था इस बाइक के प्राइस को लेकर और इस बाइक को दिखाने का, तो फाइनली आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आपको 125 के ड्रम वेरिएंट को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आया है। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे वहां पर फॉलो कर ले और क्वेश्चन पूछ ले। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं बैनाज बजाज में, जो कि गिरिडीह में है, तो वहां पे ये बाइक अवेलेबल हुई थी। तो चलिए अब हम इस बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं फुल डिटेल्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ड्रम वेरिएंट है और इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग देखने को मिलता है फ्रंट में। तो अगर आप रियर का ब्रेक प्रेस करते हैं तो फ्रंट ब्रेक का भी कुछ पार्ट इसमें आपका अप्लाई हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं रियर ब्रेक प्रेस कर रहा हूं, बट यहां पे आपको फ्रंट ब्रेक में थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा होगा। तो ये आपको कॉम्बी ब्रेकिंग यहां पे कंपनी ऑफर कर रही है, जिससे कि आप रियर ब्रेक प्रेस करते हैं तो फ्रंट ब्रेक का भी कुछ पार्ट अप्लाई हो जाता है। और बात करते हैं इसके लाइट्स की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको सेम लाइट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको पहले देखने को मिलती थी। हैलोजन में आपको लाइट्स कंपनी इसमें ऑफर करती है। और बात करते हैं कि इसमें सब कुछ आपको सेम देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको 125 के डिस्क वेरिएंट में दिखाया था। बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, तो आपको बाकी जितनी भी बाइक्स अभी देखने को मिलेगी सिटी वगैरह में, वो आपको सारी बाइक्स का जो ब्रेक है वो आपको उस साइड देखने को मिलेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें बट कंपनी ने राइट हैंड साइड में ऑफर किया। और इसका जो फ्रंट का ड्रम का साइज है वो भी काफी बड़ा है। इसमें 170mm का ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। अगर आप दूसरी बाइक्स में देखते हैं तो 130mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको काफी बड़ा साइज का एक ड्रम कंपनी ऑफर कर रही है, जिससे कि जो इसका ब्रेकिंग है वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको सेम सब कुछ देखने को मिल जाता है, काउल इस बार कंपनी ने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की, तो सेम आपको मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजन माल फंक्शन लाइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और सेम एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। और सेम स्विच कंसोल्स आपको पहले के जैसे ही देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए और इसकी चेंजेस के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कंपनी किक भी ऑफर कर रही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका जो आपको है वो इंजन आपको फ्यूल इंजेक्टेड देखने को नहीं मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि उन्हें कम बजट में एक बाइक लेनी है जिसमें कि फ्यूल इंजेक्शन ना हो और मेंटेनेंस कम आए, तो आप इस बाइक के लिए जा सकते हैं। इसका जो मेंटेनेंस है वो आपको कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स। अगर कभी इसका फ्यूल इंजेक्शन जैसे खराब होता है तो उसमें आपका ज्यादा एक्सपेंस आता है, बट इस बाइक में आपको सेम पहले वाले ही एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में, तो इसमें सेम आपको टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको 125 के जो डिस्क वेरिएंट में देखने को मिलते थे MRF का। अगर आपको उसका भी वीडियो देखना है तो मैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको BS6 की यहाँ पे बैजिंग दिख रही होगी। और बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की, तो आप ये देख सकते हैं ऑरेंज कलर में हमारे पास है, तो इसमें आपको ऑरेंज कलर की यहाँ ग्रैबरेल्स मिलेगी और यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की स्टिकरिंग और यहाँ जाली भी आपको ऑरेंज कलर में ही मिलेगी। बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी साड़ी गार्ड ऑफर कर रही है और नेटवर्क्स का सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो एक स्पेशल थिंग जो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा वो होगा इसका पेट्रोल टी। तो अभी जनरली जितने भी BS6 बाइक्स आ रही है उसमें ये पेट्रोल टी रिमूव कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें फ्यूल इंजेक्शन आ रहा है जिसमें कार्बोरेटर रहने के कारण आपको इसमें पेट्रोल टी मिल रहा है। और गियर का बात करते हैं, तो गियर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है 1 डाउन और 4 अप, तो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके हॉर्न की, तो कंपनी इसमें सिंगल हॉर्न यहाँ पे ऑफर करती है और यहाँ पर इसमें आपको लार्ज साइज का कैटलेटिक कन्वर्टर देखने को मिलता है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू बैजनाथ बजाज। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। और बात करते हैं लास्ट इस बाइक की प्राइसिंग का, कि इस बाइक का आपको प्राइसिंग क्या देखने को मिलता है और माइलेज क्या मिलता है। तो इस बाइक का जो आपको माइलेज है वो आपको 50-55 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। माइलेज आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, अगर आप बाइक को अच्छे से राइड करेंगे और टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग करवाएंगे तो जो इसका माइलेज है वो आपको कंपनी अच्छा बाइक अच्छा आपको दे देगी। और अगर आप इसकी सर्विसिंग अच्छे से नहीं करवाते और मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो इसका जो माइलेज है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग का, तो हमारे एरिया में जो इस बाइक का प्राइस है वो आपको लगभग 84,000 रुपीज के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा ऑन रोड। आपके एरिया में प्राइस थोड़ा डिफर कर सकता है, क्योंकि इसका जो RTO और इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं वो एरिया वाइज एरिया मैटर करते हैं। तो आपके एरिया में अगर RTO इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, बट अप्रॉक्स में आपको 84,000 रुपीज के अप्रॉक्स में ये बाइक देखने को मिल जाएगी।
तो ये पल्सर की तरफ से सबसे सस्ती ऑफरिंग है। अगर आपको पल्सर की बाइक चाहिए तो आप इस बाइक के लिए जा सकते हैं।